गए बसरम मर गई हम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्गम घाटी, और आप सभी का स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल उर्गम घाटी पर। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल उर्गम घाटी फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, काफी अद्भुत, जो कि आपके दिल को छू जाएगा। पहाड़ के कामकाज और पहाड़ की महिलाएं इस तरीके से अपने काम को अंजाम देती है, पारंपरिक गीतों के साथ, हंसी मजाक के साथ, और साथ ही कितने खुश नुमा होकर के अपने काम को अंजाम देते हैं और विराम देते हैं अपने काम को। देखिए पूरी वीडियो में, आपका दिल छुएगा ये वीडियो कि कितने अच्छे और अद्भुत तरीके से यहाँ पे पहाड़ की महिलाएं अपने काम को करती हैं, और कितनी हंसी मजाक और एक दूसरे से मिल के और एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ पे किस तरीके से अपने काम को करते हैं, देखिए पूरी वीडियो। तो दोस्तों एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पूरी वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हो, बड़े दिनों के बाद धूप लगी है, तो यहाँ पे किसान लोग अपने साठी चावल को कर रहे हैं, छान रहे हैं। पैर से देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पे नंगे पाँव धान को बालियों से अलग करा जाता है। आप देख सकते हो कितनी शानदार प्रोसेस है गढ़वाल की, पहाड़ों की हमारे, देख सकते हो नंगे पैर धान को बालियों से अलग करा जा रहा है। सब खत्म करो। तो दोस्तों गांव वालों का कहना है, किसानों का, कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके डर से यहाँ पे जल्दी से कच्चे ही धान को यहाँ पे माना जा रहा है, जंगली जानवरों के डर से। और ये देख सकते हो आप किस तरीके से नेचुरल प्रोसेस से यहाँ पे धान को माना जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मेहनत हो रही है धान को बालियों से अलग करने में। ईत सी कुंगड़ी रोस बिछिन ये पर्वत जन कठोर बिछिन ये हमारा पहाड़ किनारी बेटी भारी पहाड़ों की बेटी भारी पहाड़ों की बेटी भारी बिन सर बेटी धाणियों मलकीनू सेनी खानी सब हर चीन बिन सेर बेटी धाण्यू मालकीन सेनी खानी सब हर चीन करम ही धर्म काम ही पूजा यकुन ही पसेन्यन हरी भरीन पुंगड़ी पतली हमारी बेटी भारी पहाड़ों की बेटी भारी दुख बीमारी में भी काम निटाली घर बन रोसड़ू या कुली समारी चेंदनी पे कभी बिजदानी देखी रत ब्यण सूरज मुनि बिजाली यूं से विधाता बिहारी बेटी भारी पहाड़ों की बेटी भारी बेटी दाड़ियों मलगीनी
तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे धान को पैरों से मान रहे हैं और देख सकते हो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि पहाड़ों का कामकाज कितना सुंदर और कितने मेल मिलाप से यहाँ पे लोग कामकाज करते हैं और साथ ही गानों के साथ पारंपरिक गानों के साथ यहाँ पे अपने काम को यहाँ पे विराम देते हैं और कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा होता है पहाड़ों के महिलाओं का। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पहाड़ की महिलाएँ कामकाज को अंजाम देती है और कितने सुंदर तरीके से और कितने मेल मिलाप से यहाँ पे काम को करते हैं। साथ ही गानों के साथ पारंपरिक गाने होते हैं हमारे जो बगद्वाली हो गए, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नजारा, देखो ऐसे धान ला रहे हम, ऐसे घास ला रहे हम, हमारे यहाँ घर में घास नहीं है, गाय बछड़े मर गई हम भूख से बारिश से। तो दोस्तों आप देख सकते हो धान को मारने के बाद यहाँ पे इसको अगर कुछ बचे कुचे दाने होते हैं इसमें एक डंडी की सहायता से उसको अलग करा जाता है बालियों से। ये देख सकते हो आप डंडी से मार के धान की बालियों को अलग करा जा रहा है।
यहाँ पे हमारे गणपत भाई भी लगे हैं यहाँ पे धान की मनाई करने में और शर्मा रहे हैं, आप देख सकते हो। कहा जाता है दोस्तों कि जो जीतू बगडवाल जी थे और उनके यहाँ पे उन्होंने खेती करी है। ये देखिए उनका मंदिर भी है सामने पे, यहाँ पे अभी बताएंगे आपको। तो इनका कहना है कि यहाँ पे जीतू बगडवाल ने यहाँ पे अपनी खेती करी है धान की, उनका एरिया था ये कभी ज़माने में। दोस्तों कहा जाता है यहाँ पे जीतू बगडवाल जी का मंदिर है यहाँ पे, और कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने खेती करी है जीतू बगडवालों ने। ये देखिए पूरा जो धान की पूरी फसल है यहाँ पे, जो आप दूर दूर तक देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने अपनी धान की फसल उन्होंने खेती करी है यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे रोपाई करी है, सेरा करी है उर्गम घाटी में, ये देख सकते हो आप। ये देखिए दोस्तों ये जीतू बगडवाल का मंदिर है, उन्होंने यहाँ पे अपना मतलब मंदिर यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे देख सकते हो आप जीतू बगडवाल ने यहाँ पे अपना मंदिर बनाया और साथ ही उन्होंने यहाँ पे खेती करी धान की। आप देख सकते हो पूरा ये सामने तक आप देख रहे हो। उन्होंने यहाँ पे कहा जाता है कि स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे मतलब खेती करी है धान की इस पूरी जगह में, ये देख सकते हो। और साथ ही उन्होंने यहाँ पे अपना मंदिर का निर्माण भी करा यहाँ पे छोटा सा, सदियों की बात है दोस्तों। ये देखिए उर्गम वैली में जीतू बगडवाल का भी यहाँ पे सहयोग रहा है और उन्होंने यहाँ पे खेती करी है। हमारा पहाड़ किनारी बेटी बारी, बेटी बारी पहाड़ों की। तो दोस्तों जो धान की फसल थी यहाँ पे मांड बूंद के तैयार होके अब इसको धूप में सुखाया जा रहा है, इस तरीके से देख सकते हो आप। बारिश से बड़ी मुश्किल से आज रात मिली, काफ़ी दिनों के बाद आज राहत मिली बारिश से। तो लोगों ने अपना धान जो मान मुन के रखा था उसको आज धूप में सुखाने के लिए रखा है, और देख सकते हो आप पूरे छत में मतलब पूरा धानी धान आप देख सकते हो।